कौन है तू? ठीक अंदर नहीं दी जाती, बाहर दी जाती है। बाहर जाके खड़े हो जा। कौन हूँ मैं? अष्टदिक वंदना, शक्ति दे माँ काली। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? नाम है पशुपति, अघोराधिपति। नहीं पुत्री, अभी वो दुष्ट पुरुष शक्तियों का अधिपति है। बलवान से बलवान व्यक्ति भी उसे नहीं रोक सकता, ना कोई हथियार उसका सामना कर सकता है। अभी उस दुष्ट का सामना करने में बहुत खतरा है। मौत उसकी जुबान पर विराजमान है, उसके हाथ यम के हाथ है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। शक्ति दे मुझे माँ काले। अभी तुम उसके सामने ना ही जाओ तो अच्छा होगा। मरोगे। जो डर कर पीछे हट जाते हैं वो कायर कहलाते हैं। मौत का भी सामना करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ए अरुंधति, तुझे तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। पशुपति, जिनके हाथों से मुझे पिटवाया था उन्हीं लोगों के सामने अब बेटी अरुंधति, तू यहां क्यों आई बेटी? अरे पकली, तू तो बला के खूबसूरत हो गई रे। कली तो पूरी तरह खिल गई है। ए मेरे मोमबत्ती, मैं तुझे मार कर तेरे टुकड़े टुकड़े करने आया था, लेकिन अब नहीं मारूंगा। जिस पिशाच ने 7 साल से किसी औरत को ना छुआ हो उसके सामने ऐसी बला आ जाएगी, ये सोचा नहीं था। ए मोमबत्ती, एक औरत को चांद से ज्यादा अपनी आबरू प्यारी होती है ना, इसलिए मैं तेरी इज्जत लूट कर उसके बाद तेरी जान लूंगा, फिर इसी महल में तेरी समाधि बनाकर तेरी आत्मा को अपने अघोर देव को बलि चढ़ाऊंगा। दुष्ट दुरात्म नरमि कलंकम। मोमबत्ती, मुझे गाना नहीं सुनना है। वेदना तेरी नहीं है, मेरी है। उस दिन तूने मुझे मेरे ही घोड़े के पैरों से बांधकर घसीटवाया था ना, सालों से उस अपमान की आग मुझ में जल रही है। तेरी आबरू के चीथड़े चीथड़े करके तेरी इज्जत को नीलाम करके रहूंगा, क्योंकि असली खेल तो ऊपर जाकर शुरू होगा। तेरी सुहागा का मुहूर्त तो निकला ही हुआ था ना, उसका सुख तो लेगी, लेकिन मेरे साथ मैं बनाऊंगा तुझे औरत। मुझको खत्म करेगी, मुझको
छी, मेरे सामने तो मौत भी थर थर कांपने लगती है, भाग जाती है। हाँ, लेकिन मौत को तेरी बलि जरूर चढ़ाऊंगा। इन गौरियों की आवाज के साथ अपने घुंघरों की ताल मिला मोमबत्ती। गम 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 तमम गम। उस दिन उस नाचने वाली के साथ मैंने थोड़ा मनोरंजन क्या कर दिया, तू नाराज हो गई और लात घूसों से पिटवाया। लेकिन आज उसी की तरह ये मेरा रोम रोम तेरे शरीर से मनोरंजन करेगा। मोमबत्ती अब नाच। ये वस्त्र तलवार का काम करेंगे। गर्दन को फंदे से जकड़ना होगा, तभी उसे विवश किया जा सकता है। जल्दबाजी मत करो, इसे मत मारो, मत मारो। अगर मारोगी तो बहुत भयंकर प्रेतात्मा बन जाएगा। मतलब? अभी इसमें तुमसे प्रतिशोध की प्रबल इच्छा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कोई भी मनुष्य जो अपूर्ण इच्छा लेकर मरा हो, उसकी आत्मा इस लोक को छोड़कर नहीं जाती है, वो बदला लेकर ही रहती है। जब कोई ऐसा कठोर अघोरी अधूरी इच्छा लेकर मरता है तो वो भयंकर प्रेत शक्ति बन जाता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी को जीने नहीं देगा। सच है बेटी, लेकिन इस समस्या का कोई उपाय भी तो नहीं है। तो ठीक है, ये मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहेगा। इसकी अभी और इसी हालत में समाधि बनवा देती हूँ। वो समाधि ऐसी होगी जिसमें से इसकी प्रेत आत्मा कभी बाहर नहीं आ पाएगी, और वो समाधि में रुद्रतुल प्रणव दिव्य शक्ति से बनवाऊंगी। समाधि में बंद ये और इसकी प्रेतात्मा अनंत काल तक तड़पते रहेंगे। लेकिन सुनो बेटी, अगर कभी किसी ने इसकी समाधि तोड़ दी तो बाहर आकर इसकी प्रेतात्मा प्रलय मचा देगी, तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश कर देगी। मैं इसका भी पूरा इंतजाम करवा दूंगी। इसकी समाधि बनने के बाद इस महल में कोई कदम नहीं रखेगा। बनाओ समाधि। माता का निर्णय सुनकर वो नीच डर से कांपने लगा। पवित्र स्थानों से बड़े बड़े पत्थर मंगवा कर हमारी जयजम्मा ने अभेद समाधि बनवाई। उस अंधेरे में वो पापी दरिंदा जानवरों की तरह चीत्कार करने लगा। उसकी चीत्कार से सारा महल थरथरा उठा था। अब सड़ता रह यहीं पर, तो इसे नरक के लायक है। महाशक्तिशाली दुर्गा गायत्री यंत्रों की सिद्धि करवाई गई। उस समाधि से हवा भी बाहर ना आ सके, इसलिए उन यंत्रों को समाधि की दीवारों पर ठुकवा दिया गया। राजगढ़ के कोने कोने से महाविद्वान वेद शास्त्रियों को बुलवाया गया। चंडी यज्ञ और रुद्र अर्पण किया गया।
उस नीच की चीखें उन देव मंत्रों के आह्वान में दबकर रह गई। भूलोक की रक्षा करने वाले भोलेनाथ के त्रिशूल उसकी समाधि पे चारों तरफ बंधवा दिए गए। नहीं छोड़ूंगा तुझे। उसका अंत नहीं हुआ। सच में जयचम्मा ने कितना बड़ा काम किया था। हाँ, लेकिन उस दिन उस दुष्ट की समाधि बनाने के बाद माता का मन बुरी तरह व्याकुल हो उठा। उसकी समाधि बनाने के 3 दिन बाद ही क्या हुआ? बताती हूँ। वो कहानी सुनाने बैठूंगी तो रात भर में भी खत्म नहीं होगी। बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ। जाओ बच्चों, ज्यादा मत सोचो, आराम से सो जाओ। चलो बेटा, चलो। चंदा माँ, 3 दिन बाद वहाँ पर क्या हुआ था? देखो प्लीज, देखो ये बात सिर्फ मैं और जयजम्मा ही जानते हैं। मुझे बताइए, मुझे जानना है, जानने का समय आ गया है। बताती हूँ, उस दिन के ठीक 3 दिन के बाद उस रात को उस महल से रोने की आवाज सुनाई दी थी। वो उस दुष्ट का प्रलाप। अरुंधति, आ जाओ, ये मैं हूँ, तुम्हारा जीजा पशुपति। मैं भूखा हूँ, प्यास लग रही है मुझे, मैं मर रहा हूँ। बाहर निकालो ना, इस समाधि को तोड़ दो, मैं मर रहा हूँ यहाँ पर। सुनो ना, एक बात बताऊं तुझे, मुझे मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, तू बात कर रही है एक प्रेत आत्मा से। तेरी वजह से मैं इतनी बुरी मौत मरा हूं। मेरा शरीर सड़ गया है, कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आ रही है मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, प्रण लिया है, कसम खाई है, नहीं छोड़ूंगा तुझे और ना ही तेरे वंश को। साथ में औरत का सुख भी जरूर लूंगा। तुझे मैं खून के आंसू लाऊंगा, हाँ वो हाल करूंगा तेरा, तू मौत की भीख मांगेगी। नहीं छोड़ूंगा मोमबत्ती, नहीं छोड़ूंगा तुझे।